Hello everyone, this is me Vakas Khan. You are watching my YouTube channel Bioscience Academy. Dear viewer, आज का जो टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, दिस इज फॉर योर जनरल नॉलेज और ये हम सब के लिए ज़रूरी है। हमें अपने ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए। ह्यूमन ब्रेन का बहुत फंक्शन है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेन पॉइंट इज दैट द ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी सेंसिटिव, सो देयरफॉर ब्रेन इज प्रोटेक्ट इन द स्कल। एक नॉर्मली इंसान की दिमाग का वजन अराउंड 3 पाउंड होता है, ठीक है, जो इसका एवरेज लिया है 1300 से 1400 ग्राम का होता है। एक ह्यूमन ब्रेन तकरीबन 23 वाट पावर जनरेट करता है। 30 साल की उम्र के बाद ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो कमज़ोर होता जाता है। सो ड्यू टू ओल्ड एज द ह्यूमन ब्रेन बिकम वीक, तो इसलिए बाज़ औक़ात वो बातें भूल जाते हैं, ठीक है। इंसान के दिमाग हर रात को ज़्यादा एक्टिव होता है। कुछ स्टूडेंट इवनिंग के टाइम में स्टडी पसंद करते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग नाइट द एटीपी प्रोडक्शन ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जब आप सोते हैं तो बॉडी का एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं होता है, आराम में होते हैं बंदा, तो इसलिए दिमाग रात के वक्त में ज़्यादा काम करते हैं, दिमाग पे कोई और काम का बोझ नहीं होता है, ठीक है। इंसान के दिमाग में एक दिन में तकरीबन 60,000 से ज़्यादा ख्यालात होते हैं, तो थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ तरीके होते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम मेमोरी का पूरा इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए स्टडी लर्निंग में बहुत मुश्किल होती है। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, व्हेन यू आर वांट टू इम्प्रूव द लर्निंग एबिलिटी, सो आप रात के वक्त में जब सोते हो सारा दिन में आपने जितने भी काम किए हैं वो रिकॉल करो, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन करो, इसके साथ साथ रिसर्च करो। जिस तरह एक बंदा किसी जगह पे काम करता है ना, फर्स्ट टाइम में तो इसको तो काम नहीं आती, लेकिन जब टाइम गुजर जाता है, प्रैक्टिस होता है, तो धीरे धीरे काम याद करता है, ठीक है। इसी तरह ही ह्यूमन ब्रेन भी है, तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं बार बार तो ब्रेन का एबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाता है, कैपेसिटी बढ़ जाता है। हमारा दिमाग तकरीबन 75% पानी से भरा हुआ है, तो हमारी बॉडी में अगर थोड़ी सी भी डिहाइड्रेशन हो जाए तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पर होता है। तो अगर ब्रेन में 2% भी डिहाइड्रेशन हो जाए तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, ओके। अगर प्रोलॉन्ग डिहाइड्रेशन हो जाए तो ब्रेन की सेल जो है ना इसमें
लिंकेज आते हैं इन देयर मास एंड साइज। तो इसके साथ साथ हेडेक होता है इन फ्रंट एंड बैक साइड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बायोसाइंस एकेडमी। टेक केयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।